नमस्कार, मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है। तमाम संगठनों के अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधिगण, आप सभी लोगों को इसे सभागार में उपस्थित होने के लिए संघ के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन और आपका स्वागत। मित्रों, बहुत सारी बातें आ भी गई, मैं बताना चाहता हूं कि जब से यह आंदोलन चल रहा है, हम लोग इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रहे हैं। समन्वय समिति तो बन गया, लेकिन जो सिस्टम है, जो कार्य करने का तरीका है, उसमें हमारे संयोजक महोदय को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मैं 5 सितंबर की घटना को इंगित करना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग आए और अपना तफरी हो गया। 4 बजे कहा जाता है कि कार्यक्रम नहीं होगा और 8:30 में कहा जाता है कि कार्यक्रम होगा। तो मैं चाहता कि बिहार में हमारे पास कोई अन्यथा नहीं है। बिहार में हम लोग लगभग 30-32 संगठन यहाँ पर इस समन्वय समिति के अंतर्गत है, 28 या 30 के। और जब हम लोग जिला में जाते हैं तो वहां 4-5 संगठन मिलता है, आखिर ये 32 संगठन चले कहां जाते हैं। तो संयोजक महोदय से आग्रह है कि आप 3 जिला का सर्वे करा सकते, और तो हो सकता है कि कोई संगठन 10 जिला में हो, कोई 15 जिला में हो, कोई कुछ हो, तो उसका कैटेगरी जो है निर्धारित कर दीजिए 1, 2, 3। और मैं चाहूंगा कि जो संगठन सभी प्रखंडों में सभी जिलों में कार्यरत है, जो आपके इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उन लोगों में से लेकर वरीयता के क्रम में इस तरह से आपको 32 नंबर तक आपको मिल जाएगा कि 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, 4 नंबर में कौन है। और जो है 7 आदमी का जो डिसीजन का जो लेने का जो समिति आप ले लीजिए, आप बना लीजिए। एक जो है देखते हैं कि मनोज जी एकदम हमको कहते हैं कि जाइए ना वहां से टेंट वाला को लाइए, टेंट वाला को लेकर गेट पर जाते हैं। हमारे राजू सिंह थे उस जगह, टेंट वाला को घुसने नहीं दिया, दोनों आदमी हम लोग चले। तो सिस्टम डेवलप, आप पूरे संसार का लड़ाई अपने माथे पर लेकर घूमिएगा तो ना माथा पर से उतरेगा ना लड़ाई होगा। अकेले संयोजक रहिएगा, अकेले अध्यक्ष रहिएगा, अकेले मीडिया प्रभारी रहिएगा, कौन कौन काम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जो है, इसमें आस्था है, बिहार के 4.5 लाख लोगों की आस्था है। उस आस्था को देखा जाए, संगठन को नहीं देखा जाए। और जो संगठन, जो मजबूत संगठन है जिस जिले में, उसको वहां का संयोजक नियुक्त किया जाए। एक जो है देखते हैं क्या कि आपके प्राथमिक शिक्षक संघ के खास कर जब प्रखंड में मीटिंग होती है वहां भी संयोजक बन जाता है, जिला में होता है वहां भी बन जाता है। कि फैसला हुआ था हम लोग का कि पूरे बिहार के गली गली में हमारा ये संयोजक रहेगा। और जब संयोजक के साथ हम लोग उतना भी मानने के लिए तैयार है, जब बैठक करके कार्यक्रम करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक संघ के तो और आम शिक्षक की बात छोड़ दीजिए, आपका पदधारक आपके आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ। आपका संगठन आपके संगठन को आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है, बिहार सच्चाई है। पढ़ी हो तो मार दीजिए। और मैं देखता हूं कि जब वहां पर धरातल पर जब हम लोग काम करते हैं आपके नागेंद्र नाथ शर्मा के साथ, आपके नरोदय ठाकुर के साथ, हमने संपूर्ण मीटिंग किया है पश्चिमी चंपारण में,
वे लोग ही एक्सेप्ट करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के आदेश को प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग ही नहीं मानते हैं। अब बताइए, जितना नियोजित है वो तो है कि भाई चलिए मान लिया जाए, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बन गया और आपका जो नेता वहां पर प्रखंड में है वो 5 सितंबर को उसको खिंचवाता है, हाजिरी बनाता है, हमारा जो मास्टर है यहाँ पटना में आ जाता है उसका हाजिरी को काट देता है। क्या हो रहा है? और एक दो दिन में आपने क्या कोई स्टेप लिया? हम शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति में है, हम नियोजित है और हमने भी हाजिरी बना लिया। तो यहाँ पर तय कीजिए कार्यक्रम कि अगर हड़ताल है तो सारे संगठन के लोग पदधारक जब प्रखंडों में अपना एक दिन पहले हड़ताल लेकर चढ़ा देगा तो मास्टर जो है अपने आप सब चढ़ा देगा, लेकिन नेता ही नहीं चाहता है किसी भी संगठन का। कहता कि भाई जब आपकी मिशन योजक है घर में जब कहीं मार होता है तो सब लोग कहता है कि चलो एकरा बाबा से कंप्लेन कर जाइए, एकरा बाप से पढ़ जाइए। अब वहां जो संयोजक बना हुआ जो लोग है वह गलती कर रहा है, जब वो करता है तो हमरो संघ के लोग कहता है कि प्राप्ति शिखर संघ संयोजक किला में बना हुआ है हाजिरी बना दिया तो हम कहा छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो नेता है के साथ करनी पड़ती है कि जिला स्तर पर भी कार्यक्रम में मुस्तैद के साथ नहीं रहते हैं, यहाँ पर भी आते हैं तो बाहर निकलने के बाद भाषा बदल जाती है। तो अगर इसको शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति को मजबूत करना है तो कमेटी का निर्माण कर 32 को कमेटी को लेकर आप सब निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें से जो लोग 5-6 लोग हैं जो नीति निर्धारक लोग हैं उनको लेकर एक कमेटी बना लेंगे। जब भी आपका आंदोलन होगा वे लोग 2 दिन पहले से पटना में रहेंगे, उनको जिम्मेवारी दीजिए, उनको टेंट। मनोज जी क्या करेंगे, कभी आपका कागज लेकर रहते हैं, कभी आपके घर जाते हैं, कभी वहीं चले जाते हैं, तो जिम्मेवारी दीजिए ना। क्या आनंद गोसर भावरा काम करेंगे, नवीन कुमार नवीन भावरा काम करेंगे, प्रदीप कुमार पप्पू भावरा काम करेंगे, अनवर करीब दूसरा काम करेंगे, कम बात दीजिए जयंत सिंह दूसरा काम करेंगे, राजीव सिंह तीसरा काम करेंगे, कमें बढ़ दीजिए एक दिन पहले, तो ये नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब कि सबसे पहले आप को संयोजक बनाया गया है, आप अपने संगठन के चाल और चरित्र को जो है नीचे से लेकर ऊपर तक बैठक बुलाइए और कहिए जब मैं संयोजक हूं और जब तू मेरा आदेश नहीं मानेगा तो इसमें घटक दल का कोई भी लोग जो है आदेश मानने के लिए बात नहीं होगा, इसलिए पहले आपकी जिम्मेवारी आप अपना प्रदेश स्तर पर जिला स्तर के लोगों को नीचे बुलाइए। ये लोग इस तरह के करते हैं, अगर आप लोग को सहयोग नहीं करना है, इस आंदोलन को नहीं बढ़ाना है तो आप लोग कह दीजिए इस कार्यक्रम को बंद कर दे, जब मेरा ही आदेश आप लोग नहीं मानेंगे तो दूसरे संगठन को हम कहने वाले कौन होते हैं। तो यही बात है कि इसको कर लिया जाए। और जो लोग यहां पर है अस्पष्ट नीति होनी चाहिए कि हड़ताल है तो हड़ताल ही भराएगा, कि नहीं कि विपिन प्रसाद फोन पर करता दे सीएलए लेके चला हुआ अपने संगठन के लोग, अब देखिए हम लोग फंस गए, कोई कहा हो ना मेरे। तो जिले में जो है हम लोग हड़ताल भरवा दिए और कुछ लोग इतने धूर्त निकले कि अपने नेताओं को कह दिए कि सब लोग को कह हाजिरी बना, और मास्टर जो है हम लोग को कह रहा है कि समायोजन कब होगा, आपके तरफ से इस हड़ताल के बाद में कोई प्लान नहीं गया कि हम सरकार से लड़कर जो हड़ताल पर गए शिक्षक है उसके स्वाभिमान के लिए उसका नौकरी नहीं करेगी, उसके लिए वेतन है उसको हम रेगुलर कराने का काम करेंगे, यह जो शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से कोई भी आज तक कोई भी प्लान नहीं गया। पहली बात कर तो कैसे चलेगा आप बताइए, आप फैसला भी नहीं ले पाइएगा। सर उस दिन की घटना बता रहे जिस दिन आप निकल लिए कि होगा नहीं होगा, होगा। अगर आपके पास आप कह रहे कि 10 आदमी आया घेर लिया कह दिया हम कर दिए, तो उस दिन आपके पास अगर कमिटी एक रहती नीति निर्णय लेने वाली कमिटी तो आप सारे आदमी से आपको जी तो उन लोगों को बुलाकर कर लेते
नहीं है तो हम कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार के शिक्षकों का भविष्य बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति इसमें कार्य करने के लिए सिस्टम डेवलप किया जाए, सभी लोगों को सिस्टम का पालन करना चाहिए, एक जो घोषणा हो एक कार्यक्रम की घोषणा हो सभी लोग अपने प्रखंडों में अपने जिलों में जाकर उसको लागू करें और जो है कोई भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करेगी बनारस शर्मा मिल गया फाला चीज मिल गया तो फाला नहीं आया था आनंद कौशल चुनाव लड़ रहा है उसको आंदोलन से क्या मतलब है, अरे लोकतंत्र है जिसको मन करेगा वो लड़ेगा, क्या आप किसी को रख सकते हैं भाई, आपको वोट नहीं देना है आपको लड़ना है लड़िए, शिक्षक को है लड़ना है लड़ेगा, शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति न किसी का समर्थन करती है चुनाव लेने में न विरोध करती है, आम लोग का स्नातक है जिसको जान लड़ना है लड़ेगा, इसमें हम लोगों को पहचान नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों के समान काम समान वेतन की लड़ाई को कैसे मजबूती के साथ लड़ा जाए इसके लिए ठोस रणनीति बनाया जाए, ठोस पहल किया जाए, तभी जो है आंदोलन चल सकता है, नहीं तो लूज पूछ करने से हमारा व्यक्तिगत राय है संगठन का भी राय है कि इस तरह से यह आगे नहीं जा सकता है, बहुत जम बुझेट हो गया है, 28 लोगों को ना बुलाइएगा ना मीटिंग होगा ना कुछ होगा, 5-7 लोगों को सीमित कीजिए और उसको जो निर्णय लेना है उसको निर्णय कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, इतना ही हमको कहना है, जय हिंद जय भारत।